हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एस के इलेवन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओमेन सुपर 50 कप का जो फास्ट सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे बारबाडोस ओमेन वर्सेस ट्रिनिडैड एंड टोबैगो ओमेन के बीच में, तो उसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सब सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि तमाम सारे अपडेट्स और फाइनल टीम आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और दिए हुए लिंक अगर काम न करे तो टेलीग्राम पर जाकर सीधा एस के इलेवन फैंटेसी कोई भी स्पेस ना देते हुए सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएंगे, आपको वहीं पर जाकर जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बारबाडोस ओमेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम रहेंगे दोस्तों, इनका जीतने का चांस 70% रहेंगे, और दोस्तों यहाँ पर त्रिनिडैड एंड टोबैगो को जीतने का चांस 30% रहेंगे, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से टीम बनाना होगा दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों पहले दोनों टीम का एक एक मैचेस का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो बारबाडोस ओमेन का यहाँ पर स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि जमाइका ओमेन के यहाँ पे हरा के आए थे दोस्तों, ठीक है, जो कि जमाइका दोस्तों जमाइका ओमेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम है, फिर भी उनको हरा के आ रहे। तो यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों बारबाडोस ओमेन को यहाँ पर फाइनल जीतना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारबाडोस ओमेन पहले बैटिंग करते 121 बना पाए थे, तो उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं दोस्तों। एस ब्रूस यहाँ पर देख सकते हैं 3 ओवर में 22 रन देखिए 1 विकेट चटकाए थे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए बारबाडोस ओमेन की तरफ से जितने भी बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं दोस्तों, सारे को आप पिक कीजिएगा अपनी टीम में, ठीक है, तो आपका टीम ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएंगे। फिर देखिए अभी ए एलन यहाँ पर देख सकते हैं 3 ओवर में 21 रन देखिए कोई विकेट नहीं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। हैली मैथ्स आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे और मस्ट कैप्टन भी। 7 ओवर में देख सकते 1 मिनट 16 रन देखिए 3 विकेट चटकाए थे। साकिरा सिल में अगर खेलेंगे तो ये भी मस्ट रहेंगे, तो यहाँ पर देख सकते 6 ओवर में 25 रन देखिए 1 विकेट चटकाए थे। और ए विलियम्स दोस्तों यहाँ पर देख सकते 6.3 ओवर में दोस्तों 22 रन देखिए 3 विकेट चटकाए थे। चलिए उनका बैटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पे, तो बैटिंग से देखता हूँ काइसा नाइट यहाँ पर 0 पे आउट हुए थे। फिर हेली में तो 16 बनाए थे, किस वन नाइट यहाँ पर देख सकते 51 रन बनाए थे। एलिसा यहाँ पर देख सकते यहाँ पर 6 रन बनाए थे। फिर ए एलन यहाँ पर देखते 5 रन बनाए थे, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। फिर यहाँ पर देख सकते सेलवन ने 0 पे आउट हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते आप ने नाइजानी यहाँ पर देख सकते 7 रन बना पाए थे, और फिर ए विलियम्स 5 रन। फिर देखिए यहाँ पर होल्डर ने 6, और दोस्तों यहाँ पे कैरिंगटन यहाँ पे 0 पे आउट हुए थे। तो चलिए दोस्तों दूसरा टीम का भी हम लोग किस प्रकार देख लेते हैं, टीटी ओमेन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीटी ओमेन ने यहाँ पर जीत के आए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर उनके तरफ से बैटिंग से ओपनिंग करने आए थे, यहाँ पर आर ब्रूस यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग सेक्टर मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर देखिए डी जोसेफ आपको विकेट आपको यहाँ पर ओपनिंग करते नजर आएंगे। फिर यहाँ पर देख सकते लॉर्ड ने 30 रन बनाए थे, और यहाँ पर आनिस अहमद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों, बॉलिंग से आपको 10 ओवर पूरा बॉलिंग करते नजर आएंगे, ठीक है। तो उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस देखते यहाँ पे, तो बॉलिंग से देख सकते हैं यहाँ पे सी ईसा के यहाँ पर देख सकते 7 ओवर में 3 मिनट 21 रन देखिए 1 विकेट चटकाए थे। फिर देखिए अलेक्जेंडर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा बॉलिंग किए थे इस मैच में, 3 विकेट 3 रन भी चटकाए थे, वो भी 2 मिडन के साथ, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे किब्रे यहाँ पे 6 ओवर में 17 रन देखिए 1 विकेट चटकाए थे। आनिस अहमद 10 ओवर में 1 मिनट 26 रन देखिए 1 विकेट चटकाए थे। राघवन ने 5 ओवर में कोई विकेट नहीं। फिर देखिए रामदीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका दोस्तों बॉलिंग का कुछ पता नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर रामदीन ने 2 ओवर में 7 रन, और यहाँ पर रामचरक ने यहाँ पे 10 ओवर में दोस्तों 5 मिडन के साथ 21 रन देखकर कोई विकेट नहीं चटका पाए थे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर देखिए इन दोनों को आप पिक कीजिए तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों को पिक कर सकते हो, अभी के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर काइसन नाइट को पिक करूँगा, आप चाहो तो यहाँ पर एस ब्रूस आर ब्रूस को भी पिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चाहते दोनों को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा बॉलिंग अपने टीम में लेने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए अगर टीटी ओमेन के पहले बैटिंग आएंगे तो फिर यहाँ पर उनको मैं पिक कर सकता हूँ। बैटिंग सेक्शन में देखिए मैंने के नाइट को पिक करूँगा, ए विलियम्स को पिक करूँगा, और दोस्तों यहाँ पर ब्रिटनी कोपर को मैं अभी के लिए दोस्तों पिक नहीं करूँ, लेकिन पहले बैटिंग आएंगे तो मैं उनको पिक कर लूँगा। तो अभी के लिए मैं उनको पिक किया दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर टीटी ओमेन वीक टीम है, और ब्रिटनी कोपर अच्छा बैट्समैन है दोस्तों, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो मैं उनको पिक करूँगा, ठीक है। आप चाहते एस लॉर्ड के साथ जा सकते, मैं उनको नहीं लूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में हेली मैथ्स मास्टर पिक लेंगे, आप चाहते एल गिब्रे को पिक सकते हो, अभी के लिए मैंने उनको पिक नहीं किया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इनको बैटिंग परफॉर्मेंस और बॉलिंग से ज़्यादा बॉलिंग करता नहीं, तो अभी तो चलिए इनको पिक कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों विकेट तो सारे बॉलर्स को मिल ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे ए महमूद को जरूर पिक करने वाला हूँ, और जैसे पे के अलेक्जेंडर को भी पिक करने वाला हूँ, और दोस्तों यहाँ पर जितने भी बॉलर रहेंगे उन सारे को मैं पिक कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बॉलिंग छूट रहे दोस्तों, वो है सी ईसाक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर है, अगर खेलेंगे तो मास्टर पिक रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉर्नेल और दोस्तों यहाँ पर सेलमैन में से किसी एक ही बॉलर खेलेंगे, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक खेलेंगे, और यहाँ पर सी ईसा को दोस्तों खेलना चाहिए, ये काफ़ी आगे खेलेंगे तो मास्टर पिक रहेंगे। दोस्तों आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आपको वहीं पे फाइनल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप, अगर कुछ बदलाव होंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। अभी जो आपको टीम बना के देखा दोस्तों डेमो टीम है, फाइनल बिल्कुल नहीं है, फाइनल टीम में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बारबाडोस ओमेन की तरफ से आप चाहो तो विकेट कीपर देखिए, मैं चेंजेस तो करना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कॉर्नेल या फिर दोस्तों यहाँ पर ईसाक में से किसी एक को पिक करूँगा। चलिए अभी के लिए मैंने यही टीम रखा हूँ, ठीक है। तो कैप्टन देखिए हेली मैथ्स को बनाऊंगा दोस्तों, बी सी में यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे ए एलन या तो ए ब्रूस, एस ब्रूस, इन दोनों में से किसी एक को बनाऊंगा, तो अभी के लिए मैंने एस ब्रूस को बनाया हूँ।
तो यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, के नाइट विकेट कीपिंग सेक्शन पिक किया, फिर देखिए ब्रेडनी कोपर, के नाइट, ए विलियम्स, एली मैथ्यूज, एल किब्रे, एम एहमद, एस कॉर्नेल, ए एलन और एस ब्रूस और के अलेक्जेंडर को पिक किया हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।